हेलो नमस्कार, मैं आनंद हूँ, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने मुझे देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजप्रिया पर। मित्रों, मैं इस वक्त दिलवालों की दिल्ली में हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नए सॉन्ग के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये गाना जितना जबरदस्त है उतना ही एक्टर भी आपको शानदार नजर आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सौरभ रॉयल के नए गाने की, जो कि लॉन्च हो चुका है। और सबसे खास बात कि लॉन्च होने के सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे के भीतर ही मैं देख रहा हूं कि ये गाना 1 लाख से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका है। हालांकि ये जो नंबर्स है ये मुझे यूट्यूब पर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके व्यूज रियल टाइम में इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि अपडेट यूट्यूब में थोड़ा देर से होता है। अब बात करता हूं सीधे तौर पे गाने की कि भाई गाने का क्या नाम है और गाने की चर्चाएं किस तरह की हैं, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि गाने का नाम है मिर्चाई। जी हाँ, वही मिर्ची वाला मिर्चाई। और ये गाना आ चुका है यूबीटी भोजपुरी चैनल पर। यहां पर सौरभ रॉयल के साथ आपको अलीशा बॉस नजर आने वाली हैं, जो कि इसी गाने से डेब्यू कर रही हैं। ये उनका पहला सॉन्ग है जो कि यूबीटी भोजपुरी पर आया है। और आपको अलीशा जब इस गाने में नजर आएंगी, जब आप उन्हें देखेंगे, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक बढ़िया एक्ट्रेस, जिस तरह से उनके फीचर्स हैं, नए नक्श हैं, आपको इस बात का जरूर अंदाजा हो जाएगा कि एक बढ़िया एक्ट्रेस, एक शानदार एक्ट्रेस भोजपुरी को मिलने वाली है। हालांकि इस गाने को लेकर जब मैंने सौरभ से बात की, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि सौरभ गाने के और डिटेल्स क्या हैं, गाना कैसे शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अलीशा के साथ ये उनका पहला गाना है, लेकिन अलीशा बतौर एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट यूबीटी पर नजर आने वाली हैं और कई और गाने शूट हो रहे हैं, यानी कि यूबीटी म्यूजिक पर सौरभ रॉयल के साथ अलीशा बॉस के कई और गाने आने वाले वक्त में आप लोगों को सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। अब गाने की अगर हम बात करें तो सौरभ के जितने भी गाने आए हैं, पहले भी जो गाने आ चुके हैं यूबीटी पर या फिर टी सीरीज पर, इन सब गानों की एक खास क्वालिटी रही है कि ये गाने बहुत नेक्स्ट लेवल से शूट हुए हैं। इनमें पूरी तरह से आपको भव्यता नजर आएगी। सौरभ जिस तरह से उनके नाम के आगे रॉयल है, उसी तरह से वो जब भी वीडियोस बनाते हैं तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि भाई गाना जो भी बने वो उस तरह से नेक्स्ट लेवल का शूट हुआ हो, उस तरह से उसमें गाड़ियां नजर आती हैं। जैसे अभी वो एक गाना शूट कर रहे थे जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको नजर आ रही थी, और आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो का इनका रिव्यू पहले किया भी था और वो गाना भी काफी ज्यादा हिट हुआ था यूबीटी म्यूजिक पर ही, का करिया सड़िया में बम लगे लू, तो ये गाना था। उसके बाद उनका गाना जो है वो टीसरी से भी काफी ज्यादा बजा था। तो इस तरह से कई गाने जो है वो सौरभ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक देख रहा था इस बीच रियल टाइम में कि जो व्यूज हैं वो 1 लाख के आसपास जो है वो हो चुके हैं। और कुछ और गानों की अगर मैं बात करूं तो घूंघट तान के एक गाना था, ये भी मैं देख रहा हूं कि यूबीटी म्यूजिक पर करीब 9.5 मिलियन व्यूज है वो क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह से व्यूज लगातार सौरभ के गानों को आ रहे हैं, और जिस तरह से पेयरिंग इन दोनों की ऑन स्क्रीन नजर आ रही है, उससे दर्शकों के बीच इन दोनों की पेयर को लेकर मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा डिमांड होगी। और ये जो गाना है, नया गाना है आप लोगों के बीच जो आया हुआ है, इसके साथ कई और गाने की तैयारी ये जोड़ी कर रही है। तो सौरभ रॉयल से जब मैंने इसके बारे में जाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया, बिल्कुल ये बात सही है, और अलीशा अब हम लोगों के साथ मतलब एक्सक्लूसिवली यूबीटी म्यूजिक पर नजर आएंगी। कुछ और गानों की भी प्लानिंग चल रही है, इनफैक्ट कुछ और गाने शूट भी होने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा ये गीत, आपको कैसा लगा गाना, आप जरूर बताइए। अगर इसका तीखापन आपको महसूस हुआ है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, और यूबीटी म्यूजिक पर जाकर आप इस गाने को सुनिए, सुन के वापस आइए और बिंदास भोजपुरिया पर मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई मिर्चाई का जो तीखापन है
वो आपको कैसा लगा। शिल्पी राज की जो आवाज है उसके साथ सौरभ की जो पेयरिंग है आवाज की, वो बहुत शानदार मुझे लगी, क्योंकि शिल्पी राज आप सबको पता ही है कि उनके गाने में, उनकी आवाज में जो नमक है, जो देसी पना है, वो साफ तौर पे झलकता है। वहीं सौरभ राय जो थोड़ा सा शहरी लुक देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं अपने गानों में, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा कमाल का मुझे लगा। क्या आपको भी सही में ऐसा ही लगा? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि सौरभ से जुड़ी हुई खबरें, सौरभ रॉयल के गानों से जुड़ी हुई खबरें, अलीशा बॉस से जुड़ी हुई खबरें, अब मैं रेगुलरली बिंदास भोजपुरिया पर इनके गानों के अपडेट्स लेकर आता रहूंगा, और ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की खबरें आपको लगातार यहां से मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे थे तो प्लीज बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इस पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।